अगले साल इसको खुशी गाना चाहिए। कोकोवा है, उसके बाद में ये सब मीठा आमड़ा है जो आप बोलते हैं, नहीं मीठा नहीं, ये मीठा आमड़ा है। अचार जो होता हाँ, नहीं ये आमड़ा अपने खट्टा होता था, खट्टा लेकिन उसमें चीनी जाके मीठा बनाया, नहीं अब ये मीठा ही आमड़ा है। अच्छा हाँ, इसमें है फलाव कुछ संजय? नहीं फला हुआ है, खत्म है, कोई बात नहीं। जो इसका से सवा साल का पौधा है, ये टिम्बर प्लांट के रूप में है, तो इसको भी हम लोग टिश्यू पे चेक कर रहे हैं। ये सब चार साल में ही थोड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैच्योर तो नहीं है, थोड़ी है, दो चार, बहुत अच्छा फल आता है, बिल्कुल छोटा छोटा आता है, बहुत बड़ा है वो, इतना बड़ा साइज है उसका। वेदर कंडीशन सर, वेदर सर एक मिनट आपको दिखा रहे हैं, अंजीर का प्लांटेशन दिखा रहे नहीं, ये नहीं, नहीं आपके यहाँ लगा हुआ ऐसे इसका टिश्यू कल्चर हुआ ही है, टिश्यू कल्चर में बड़ा प्लांट नहीं लेना, नहीं लेना है। आप बड़ा प्लांट लेते हैं तो उसका जो जमीन में जाने के बाद उसका रूट, हम क्योंकि इसमें बीएपी डालते हैं ना, तो रूट बहुत जल्दी इसका निकलता है, तो आप अगर रूट ज्यादा निकलता है तो इसमें रखेंगे तो रूट क्या होगा, स्क्रम कर जाएगा। इसके साथ वही क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए, ड्राई लैंड में और वेट लैंड में, ड्राई लैंड में सबसे अच्छा अंजीर होगा, सबसे अच्छा, लेकिन उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, उसका एक ड्रॉबैक है उसका कि सर वहाँ काम हो रहा है। नहीं हम लोग अभी ठीक किए, अभी उसमें लगे हुए हैं, सेव पर लगे हुए हैं, सेव का ऑलमोस्ट हम लोग फाइनल स्टेज में है टिश्यू कल्चर में, हो सकता है कि अगले साल हम लोग सेव का टिश्यू कल्चर आपके सामने कर सकते। आप मॉडल के रूप में लगाइए, पांच पांच एकड़ सबको लगा के देखिए। मैं 50 से 51 पैसा कम नहीं गया, हमसे एमपी गवर्नमेंट 50 रुपए में ले रहा है, नहीं क्यों ले रहा है, क्योंकि उनका क्वालिटी और हमारे क्वालिटी दोनों प्लांट मैंने दिखा दिया, अंतर है, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा। जैसे हम जो प्लांट सिलेक्ट करते हैं वो बेस्ट प्लांट होता है, बेस्ट प्लांट से जब भी हम टिश्यू कल्चर करेंगे तो फोटोकॉपी होगा, लेकिन उनका सीड से जो आएगा तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, असंभव, एक टेक्निकली चीज समझ।